रामायण को पहली बार टीवी पर लाने वाले रामानंद सागर की परपोती क्यों हो रही है ट्रोल? क्यों लोग कह रहे हैं उन्हें बेशरम? क्यों उनको जज कर रहे हैं लोग? क्यों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है साक्षी चोपड़ा? हेलो दोस्तों, रामानंद सागर को तो आप सभी जानते होंगे। एक वो शख्स जिसने एक समय में लोगों को अपनी रामायण का ऐसा दीवाना बनाया था कि आज 35 साल बाद भी लोगों के मन पर उसकी छाप है। लेकिन अब इन दिनों रामानंद सागर की पर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको आज के अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। रामानंद सागर की परपोती साक्षी चोपड़ा सोशल मीडिया पर अपनी हॉट तस्वीरों और वीडियो की वजह से हमेशा ही छाई रहती है। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी टोन्ड बॉडी दिखाते हुए अपनी हॉट तस्वीरें साझा करती रहती है। साक्षी हर बार मुंबई में रिवीलिंग आउटफिट में कदम रखने में नहीं चूकती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में साक्षी गहरे रंग के नेकलाइन के साथ ऑरेंज कलर की सेक्सी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने स्टाइलिश हेड के साथ अपने इस लुक को पूरा किया है जिसमें वो काफी हॉट भी लग रही हैं। इस ड्रेस में उनके क्लीवेज और एसेट काफी नजर आ रहे हैं। हालांकि कई नेटिजन साक्षी के ऐसे लुक की आलोचना भी कर रहे हैं और कई यूजर्स ने तो उन्हें बेरहमी से ट्रोल भी किया है। कुछ ने उन्हें राखी सावंत की छोटी बहन कहा तो कुछ ने उन्हें उर्फी जावेद का कॉम्पिटिटर ही बता दिया। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में साक्षी ने अपनी माँ मीनाक्षी सागर से उनकी बोल्ड तस्वीरों को लेकर सवाल करने के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि महिलाओं को उनकी पसंद के अनुसार कपड़े पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए। कपड़े के एक टुकड़े के आधार पर किसी को जज करना मूर्खता है। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं ऐसी तस्वीरें क्यों लगा रही हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं जैसी हूँ मुझे रहने दो तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान भी किया। बता दें, साक्षी चोपड़ा टीवी प्रोड्यूसर मीनाक्षी सागर की बेटी हैं। लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में दली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया है। तो दोस्तों, कपड़ों के आधार पर किसी को जज किया जाना ठीक है या नहीं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।